सो नाउ हु इज द रियल मॉन्स्टर, केजीएफ वाले यस या फिर अपने जवान वाले शाहरुख खान? अब नो डाउट कि भाई जवान में शाहरुख खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और शाहरुख खान की जवान मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन अगर इन दोनों की मूवीज को कंपेयर करें बॉक्स ऑफिस पे, तो बॉक्स ऑफिस पे अभी भी केजीएफ बहुत आगे चल रहा है। लेकिन हमें इस कंपैरिजन को करने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है और खास करके एक्टर्स के बैक स्टोरी को जानना तो बहुत जरूरी है। और अगर बैक स्टोरी को देखने जाएं तो सबको पता है कि भाई यस का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा वीक था, उनके फादर एक बस ड्राइवर थे। और केजीएफ जिस इंडस्ट्री की मूवी है वो इंडस्ट्री उतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है। लाइक बॉलीवुड तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड ही है, लेकिन केजीएफ जिस इंडस्ट्री में बनी है यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा छोटी थी। और तो और केजीएफ मूवी में कोई बड़ा नाम भी नहीं था, यस भी जब उसमें आए थे तो वो भी उतने बड़े नाम नहीं थे जितने वो आज हैं। और ना ही केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस था मूवीज बनाने का। हाँ वो जानते थे मूवीज बनाने, उन्होंने अच्छी मूवी बनाई, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक इतनी बड़ी मूवी नहीं बनाई थी। और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी केजीएफ आज नंबर वन पे बैठा है। लेकिन देयर इज अ कैच, केएस के सुपरस्टार बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ टेक्नोलॉजी का भी था, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि भाई उन्होंने ट्रेलर के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, अपने बीजीएम के माध्यम से ऑडियंस के पास खुद को प्रमोट किया। लेकिन जब शाहरुख खान सुपरस्टार बने थे तब ऐसा कुछ नहीं था। मूवी को लोगों के पास पहुंचाने के लिए पोस्टर्स और मैगजीन्स यूज किए जाते थे, ना कि ट्रेलर्स। और ये सिर्फ एक और अकेला एडवांटेज था केजीएफ मूवी को लोगों के सामने प्रमोट करना और उनको एक सक्सेस दिलाना। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज भूलना नहीं चाहिए कि केजीएफ के पास बस एडवांटेज था लोगों के पास अपना माल पहुंचाने का। और माल पहुंचने के बाद जब सामान अच्छी निकली तभी ये मूवी चली भी, और इस चीज के लिए हमें केजीएफ की टीम को अप्रिसिएट भी करना चाहिए। लेकिन इन टेक्निकल एनालिसिस से हट कर ये जानते हैं कि इन दोनों मूवीज में अपने ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद कौन सी मूवी आई। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी का सबसे मेजर फैक्टर यानी कि उसके गाने, कि आखिर कौन से गाने किसको ज्यादा पसंद आए। तो भाई देखो इसमें तो आगे निकल गई है अपनी केजीएफ, क्योंकि केजीएफ का बहुत सारे सॉन्ग्स लाइक मॉन्स्टर, सुल्तान, ये सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन वहीं पे आते हैं जवान पे, तो जवान में कोई ऐसा सॉन्ग नहीं था जो कि किसी को एडिक्टिव बना सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी आती है जो कि केजीएफ को जवान से बहुत पीछे ले आती है, और वो बात ये है कि केजीएफ मूवी में हमें यस की उतनी ज्यादा एक्टिंग देखने को नहीं मिली, उतनी ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिली, लाइक कि रोने के सीन्स, इमोशनल सीन्स, कॉमेडी सीन्स, मतलब ये सारे देखने को नहीं मिले, बहुत शांत कैरेक्टर था उनका। लेकिन वहीं पे आते हैं जवान पे, तो जवान मूवी में शाहरुख खान के बहुत ज्यादा एक्टिंग देखने को मिली है, जो कि जवान मूवी को केजीएफ मूवी से थोड़ा ऊपर ले आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आती है और वो है कैरेक्टर आर्क का, कि अपने केजीएफ मूवी में रॉकी भाई का कैरेक्टर आर्क बहुत ही शांत स्वभाव का था, वो एक सिग्मा मेल टाइप के थे, बोलते कम थे और करते ज्यादा थे। लेकिन वही जवान मूवी में अपने आजाद का कैरेक्टर एक अल्फा मेल था, जो कि बोलता भी था और करता भी था, और इसीलिए हमें इनकी एक्टिंग ज्यादा देखने को मिली। लेकिन अपने जवान मूवी में विक्रम राठौर की जो कैरेक्टर आर्क था वो एकदम सिग्मा मेल था, वो एकदम रॉकी भाई वाली पर्सनैलिटी थी, और इसीलिए मैंने जवान को थोड़ा सा आगे रखा है, क्योंकि जवान मूवी में हमें एक्टिंग स्किल्स थोड़े ज्यादा देखने को मिले हैं, जो कि एक एक्टर को जानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन अब अगर बात करें केजीएफ और जवान मूवी की स्टोरी की, तो भाई दोनों की स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त थी, लेकिन केजीएफ की प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज्यादा थे उसमें, और यही चीज उसको बेहतर बनाता है कि उसके प्लॉट ट्विस्ट में ओपी मोमेंट्स बहुत ज्यादा थे। और अगर बात करें मूवी के फाइट सीन्स के बारे में, तो इस मामले में जवान मूवी बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है, क्योंकि केजीएफ मूवी में ऐसे ऐसे शॉट्स थे जहाँ पे कि एक पंच पड़ता था और सीन कट करके अगला सीन में वो बंदा गिरता हुआ दिखता था, लेकिन जवान मूवी में एक रॉ फाइट सीक्वेंस देखने को मिली है। अब हाँ देखो ये बात मैं मानता हूँ कि वहाँ पे शाहरुख खान खुद से स्टंट नहीं कर रहे होते, वहाँ पे एक स्टंट डबल आता है और उसके लिए लगता है बजट। और अगर बजट की बात करें तो शाहरुख खान की जवान मूवी बनी थी 300 करोड़ रुपए में और अपनी केजीएफ मूवी बनी है 80 करोड़ रुपए में। तो अगर सिर्फ फाइट सीक्वेंस के मामले में देखें तो जवान बहुत आगे निकलती है, लेकिन अगर बजट को भी नोटिस करें तो भाई केजीएफ अच्छा खासा टक्कर देती है जवान मूवी को, क्योंकि अगर केजीएफ के पास भी अच्छा खासा बजट होता तो वो भी हमें एक रॉ फाइट सीक्वेंस दिखा सकते थे। बट स्टिल इतने कम बजट में केजीएफ ने बहुत अच्छा हमें ओपी मोमेंट दिया था थिएटर्स में, लेकिन एज अ ऑडियंस थिएटर में हमें दोनों मूवी ने मजा दिया। केजीएफ के बाद ये दूसरी मूवी थी जिसने कि मुझे थिएटर में इतना मजा दिया। लेकिन अगर बात करें केजीएफ की, तो केजीएफ जवान मूवी के मुकाबले बहुत आगे निकली हुई है बॉक्स ऑफिस पे, और वो भी अपने मूवी में ना कोई बड़ा नाम ना कोई सुपरस्टार रखे हुए, और साथ ही साथ एक ऐसा डायरेक्टर जिसने कि इसे पहले बस दो ही फिल्म डायरेक्ट की है। और तो और जवान मूवी से बहुत कम बजट में बनी हुई और साथ ही साथ थिएटर में जवान मूवी से ज्यादा अच्छी एक्साइटमेंट देती हुई, और इन्हीं वजह से केजीएफ जवान से थोड़ा सा आगे निकली हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जवान मूवी अच्छी नहीं थी, पागल हो गया भाई, जवान नो डाउट बहुत ही अच्छी मूवी थी, अगर यकीन नहीं तो जाके मेरे रिव्यू वीडियो को देख लो। बट जवान मूवी के पास उसकी अच्छी स्टोरी के साथ साथ शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैंडम भी था, लेकिन अपने केजीएफ के पास ना ही बड़ा बजट था ना ही बड़ा फैंडम था, बट स्टिल केजीएफ बहुत आगे निकली हुई है
बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन के मामले में अपने जवान मूवी से। तो ऐसा सिनेमा लवर हम आर्टिस्ट और आर्ट दोनों की कदर करेंगे। मूवी नो डाउट दोनों अच्छी थी, दोनों को रिस्पेक्ट देंगे और बराबर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं KGF और उसकी टीम बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, तो हम लोगों को उनकी थोड़ी ज्यादा सराहना करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पे आज यस हैं एक समय में उसी जगह पे शाहरुख खान थे, और जिस जगह पे आज शाहरुख खान है उस जगह पे एक समय पे दिलीप कुमार थे। मतलब कि एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख खान सुपरस्टार की सीढ़ी चढ़े थे तो वहाँ पे पहले से दिलीप कुमार बैठे हुए थे, बट स्टिल उस जगह पे शाहरुख खान को थोड़ी ज्यादा सराहना मिली थी क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, और वही मेहनत यहाँ पे KGF के यस ने की है और KGF की टीम ने की है, और हमें उनकी अचीवमेंट की कदर करनी चाहिए। पर खैर, आपका इस बात पे क्या ओपिनियन है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और कुछ बात करनी होगी तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। और हाँ, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।